उनके खेल के कद्रदान कहते हैं कि आलोचकों का मुंह वे अपने बैडमिंटन से सिल देंगे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से खराब फॉर्म से जूझ रहे उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी और भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन को लेकर खेल समीक्षक तरह तरह की बातें करने लगे थे। यहां तक कि उन्हें डूबता हुआ सितारा तक कहा जाने लगा था। लेकिन शुक्रवार 29 सितंबर को उन्होंने अपने खेल का ऐसा जौहर दिखाया कि अब उनके आलोचकों के मुंह सिल गए हैं। चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने नेपाल को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नेपाल के साथ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने ही अपने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को शानदार बढ़त दिलाई। उन्होंने महज 22 सेकंड में नेपाल के प्रिंस दहल को धूल चटा दी थी। दरअसल 2023 में लक्ष्य सेन मलेशियाई ओपन में भारत के ही एचएस प्रणॉय से हार गए थे। हालांकि इंडियन ओपन में उन्होंने प्रणॉय को हराकर अपना बदला पूरा किया था, लेकिन दूसरे राउंड में डेनमार्क के डॉन रासमुक के हाथों पराजय झेलकर वे इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए थे। इसी तरह लक्ष्य सेन जर्मन ओपन में भी फ्रेंच खिलाड़ी किस्टी पोपो से हार गए थे। लगातार हारने के कारण और अपने उम्र संबंधी विवादों को लेकर आलोचक उनकी आलोचना करने लगे थे। हालांकि अब जिस तरह एशियाई खेलों में लक्ष्य सेन अपने पुराने लय में दिखे हैं, उससे यह उम्मीद की जा रही है वे एशियाई खेलों के पोडियम पर भारत को गौरव दिलाएंगे।